हुआ कि जब नवाज शरीफ सॉरी शहबाज शरीफ निकल रहे थे यहाँ से, उसी टाइम में फवाद चौधरी भी यहाँ से आए। शहबाज शरीफ तो छोटे गेट से बाहर चले गए, पब्लिक गेट्स की तरफ से जा रहे थे। फवाद चौधरी, उनके साथ उनके भाई और कुछ वकला भी थे, राम जो मुस्लिम नून से ताल्लुक रखने वाले वकला थे, उन्होंने उनको घेर लिया और नारेबाजी शुरू करी। इसी दौरान एक वकील ने गालियां देना शुरू कर दी फवाद चौधरी को, जिस पर फवाद चौधरी तो आगे चले गए लेकिन उनके भाई फैसल चौधरी ने उनको पकड़ लिया और पकड़ के उनको मारना शुरू किया कि तुम गालियां किस चक्कर में निकाल रहे हो। इस पर जो उस वकील के हामी थे वो सारे उसको अकेला छोड़ के भाग गए। जब फैसल चौधरी ने अच्छा खासा उसके साथ अपना हिसाब बराबर कर लिया तो खुद जो इन्हीं के लोग थे उन्होंने आके फैसल चौधरी को छुड़ाया और उनको यहाँ पर साथ ले गए। तो तमाम जो लोग थे यहाँ पर वो भी इकट्ठे हो गए लेकिन फैसल चौधरी ने कहा कि जब तक ये गाली देने वाला माफी नहीं मांगेगा मैं छोड़ूंगा नहीं। अलबत्ता जो फवाद चौधरी के साथ लोग थे वही आके फैसल चौधरी के साथ लेके गए तो ये झगड़ा हुआ यहाँ पर आता है अदालत के अंदर मुस्लिम लीग नून के जो वकील हैं उनके और फवाद चौधरी के भाई फैसल चौधरी के दरमियान। ये फवाद चौधरी के भाई और मुस्लिम लीग नून के वकला के दरमियान ये लड़ाई झगड़ा हुआ और इसी सारी सूरत हाल से बचने के लिए वहां पर सारी की सारी इस वक्त अब सिक्योरिटी अलर्ट की हुई है।